माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी बिल का राजनीतिक विरोध हो तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन वैसे मैं इस मत का हूँ कि किसी भी कानून के बारे में अगर मत व्यक्त करना है तो उसकी गहराई तक जाना चाहिए, चाहे वो पहले वाले विधेयक हो, चाहे ये विधेयक हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का मामला हो। ये सब विधेयक एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश में 86% छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टर या उससे कम के रकबे पर खेती करते हैं। ये जो छोटा किसान है, वस्तुतः इस छोटे किसान को उसके उत्पादन का वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो MSP का भी फायदा नहीं ले पाता, और छोटे रकबे वाला किसान स्वयं भी अपने खेत में निवेश नहीं कर पाता और कोई दूसरा भी उसके खेत में निवेश करने को तैयार नहीं होता। आज पूरा देश और दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है, फसल ऐसी करो जिसमें पानी कम हो, फसल ऐसी करो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर कम हो, फसलों का विविधीकरण हो। ये सब भाषण के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जब एक्ट के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ने की बात आती है तो सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूँ। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। मैं अपने गांव में जाता हूँ, 5 बीघा वाले किसान को बोलता हूँ कि तुम आम की खेती कर लो और तुमको अच्छा दाम मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे सलाह दे सकता हूँ, सरकार की किसी योजना का लाभ दे सकता हूँ, आम का खेत लगवा सकता हूँ, लेकिन उतने छोटे से रकबे के किसान से कोई आदमी हैदराबाद या दिल्ली से जाके आम खरीदेगा, यह व्यवहार में संभव नहीं होता है। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। दूसरा, जो व्यक्ति करार करता है वो किसान से एग्रीमेंट के समय मिनिमम मूल्य का करार देगा, परिस्थिति कैसी भी हो, ओला हो, पाला हो, प्राकृतिक विपदा हो, मिनिमम मूल्य किसान को मिलेगा ही। और अगर फसल आने पर अगर फसल का भाव मिनिमम मूल्य से ज़्यादा है, मिनिमम मूल्य से ज़्यादा है अगर फसल आने पर, तो करार में ही ये उल्लेख होगा कि अगर इतना प्रतिशत मूल्य फसल आने पर बढ़ेगा तो उसका इतना प्रतिशत किसान को मिलेगा। इसलिए मैं आप सबको अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, कृषि का जीवन बदलने वाले ये एक्ट हैं, आप सबका आशीर्वाद इनको मिले, धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पुनः स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 17। महोदय, मैं कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8।